बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कितने टाइप की इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं इसकी डिटेल्स से आपको आगाह किया था। आज के लेक्चर में हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस के डिफरेंस बताए थे और साथ के साथ इनकी टाइप्स भी हमने आपसे शेयर की थी। तो दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेजेस की दो टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में अब तक हजारों हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की जा चुकी हैं। और दोस्तों, इतनी सारी लैंग्वेजेस इसीलिए डेवलप की जा चुकी हैं क्योंकि हर एक लैंग्वेज किसी एक खास मकसद को पूरा कर रही होती है। कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती है, तो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है, और कोई ग्राफिक्स और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए, which means कि हर एक हाई लेवल लैंग्वेज किसी एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए इन्हें प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों तमाम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में हजारों हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद हैं, और उनमें से कुछ पॉपुलर कुछ मशहूर हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिटेल्स हम आज आपको फराहम करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो है फोरटान। दोस्तों, फोरटान मुखफ्फिफ है फॉर्मूला ट्रांसलेटर का। यहाँ एफ ओ आर फोर से मुराद है फॉर्मूला और टी ए एन टेन से मुराद है ट्रांसलेटर। यानी दोस्तों, इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये फॉर्मूलाज और मैथमेटिक्स के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है, और ये सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आईबीएम ने 1954 में डेवलप किया था। एंड स्टार्ट इसको बनाने का मकसद ये था कि इसके जरिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सॉल्व किया जा सके, लेकिन बाद में इसको ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, बिजनेस एप्लीकेशन, हत्ता के फॉरकास्टिंग और मॉडलिंग की एप्लीकेशंस के लिए भी बनाया जाने लगा। और आइए दोस्तों, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि फोरटान के जरिए मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन को हैंडल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और दोस्तों, इसकी एक खास बात यह है कि इसको लिखने के लिए जिन स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा आसान और मुख्तसर होती हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर पर अगर आपने कोई प्रोग्राम फोरटान लैंग्वेज के थ्रू लिखा है तो वो दूसरे कंप्यूटर्स पर भी इजीली रन हो सकता है। यानी ये लैंग्वेज पोर्टेबल होती है, तमाम मशीन्स पर इसके प्रोग्राम्स इजीली रन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और नॉन न्यूमेरिक डेटा को आसानी से हैंडल नहीं कर सकती। यानी जिस तरह दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं, उस तरह फोरटान नहीं कर सकती। अब दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको कॉडिसिल ने 1960 में डेवलप किया था। दोस्तों, इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये खास तौर से बिजनेस की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज की जाती है। कोबोल के जरिए किसी भी बिजनेस के इन्वेंट्री कंट्रोल्स, पेरोल सिस्टम्स, बिलिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर, रिट्रीव और प्रोसेस करना बहुत आसान हो गया था। आइए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। दोस्तों, कोबोल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये बहुत आसानी से रीड कर ली जाती है, क्योंकि इसका मोस्टली हिस्सा इंग्लिश वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। तो एक इस तरह का इंसान जो कि प्रोग्रामर भी नहीं है, वो भी कोबोल में लिखे गए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये मोस्टली वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए कोबोल में लिखे गए प्रोग्राम काफी ज्यादा लंबे होते हैं। और दोस्तों, ये मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी एक मशीन पर अगर आपने कोबोल का प्रोग्राम लिखा है तो वो सिर्फ उसी मशीन पर ही रन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंटेल की मशीन पर कोबोल का प्रोग्राम लिखा है तो वो खास तौर से सिर्फ इंटेल की मशीन पर ही रन हो सकता है। इसीलिए वी कैन से कि कोबोल प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट। और दोस्तों, जिस तरह फोरटान मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए बेस्ट थी और वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकती थी, बिल्कुल इसी तरह कोबोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए तो बेस्ट है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इसको परफॉर्म करने में मुश्किल होती है, जबकि ये खास तौर से फाइलिंग
और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए इसको डॉक्टर जॉन कैमिनी और डॉक्टर थॉमस कोड्स ने 1965 में डेवलप किया था इन स्टार। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई थी, क्योंकि इसका जो सबसे अहम फीचर है वो ये है कि ये बहुत इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको लिखना और फिर समझना बहुत ज्यादा आसान था, और इसीलिए इसके जरिए से कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना और अपने टास्क कंप्यूटर के जरिए परफॉर्म करवाना भी बहुत आसान हो गया था। इसके अब तक कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे GW बेसिक, क्विक बेसिक और विजुअल बेसिक वगैरह, जो कि आज भी लोग लर्न करते हैं। अब दोस्तों आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बेसिक इज इट्स ईज ऑफ यूज। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो यही है कि इसको यूज करना बहुत आसान है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पास्कल। दोस्तों इसको स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट निकोलस विर्थ ने 1971 में ब्लेज पास्कल, जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, उनके नेम पर इसको पास्कल लैंग्वेज का नाम दिया गया। और इस लैंग्वेज की खास बात यह है कि इसमें टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल को यूज किया गया था, जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स वगैरह को इस्तेमाल किया गया था, और इसी फीचर की वजह से इसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। आइए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। दोस्तों इसको लर्न करना बहुत आसान है, इसमें ग्राफिक्स को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, और इसको साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा इस लैंग्वेज के जरिए मुश्किल पेश आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है LOGO, लोगो। दोस्तों इस लैंग्वेज को 1967 में डेवलप किया गया, और इसको डेवलप करने का मेन मकसद ये था कि बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके। इसमें एक ट्रायंगुलर पॉइंटर होता है जिसे टर्टल का नाम दिया गया, और इस टर्टल को स्क्रीन पर दाएं बाएं जानिब मूव करवाकर स्क्रीन पर ज्योमेट्रिक शेप्स को बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसके इसी ग्राफिक फीचर की बदौलत बच्चों में तो ये पॉपुलर हो ही गई थी, साथ के साथ बिजनेस की ग्राफिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए भी इस लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा। अब आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ग्राफिकल इंटरफेस की वजह से बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप किया गया। इट इज इजी टू लर्न, इसको लर्न करना भी आसान था। लेकिन जैसे कि हर एक लैंग्वेज के एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, वैसे ही उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी उतनी नहीं है जितनी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है ADA। दोस्तों इसको ADA कई नाम से इसको पुकारा जाता है, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने डेवलप की। और दोस्तों इसको काउंटेस ADA के नाम पर बनाया गया, जो कि दुनिया के सबसे पहले प्रोग्रामर थे। और दोस्तों ये वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि खास तौर से वेपन सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस की गई। अब आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ADA is a powerful language that is applicable to a wide range of problems. दोस्तों ये इतनी powerful और बेहतरीन programming language है जिसके through thousands of softwares को thousands of problem को solve करने के लिए develop किया गया। Because it is a structured language, so the large program can be written, compiled and tested separately. दोस्तों याद रखिए, structured language में एक बड़े program को आप छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को सेपरेटली अलग से कंपाइल और टेस्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए ADA भी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो उसमें भी आप प्रोग्राम को सब डिवाइड करके ना सिर्फ कंपाइल बल्कि टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये वो लैंग्वेज थी जिसके कंपाइलर में एरर चेकिंग कैपेबिलिटीज मौजूद थी। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज की तरह सिंपल नहीं है, इसीलिए इसको लर्न करना, इसको सीखना भी डिफिकल्ट है। और कुछ ही ऐसी मशीन्स हैं
जो एडा लैंग्वेज पर बनाए गए प्रोग्राम्स को अपने ऊपर रन कर सकती है और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब आइए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों इसको ऊप भी कहा जाता है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती हैं। और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें डेटा और मेथड्स, दोस्तों यहाँ मेथड से मुराद है कि डेटा पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो ऑपरेशन कहलाएगा मेथड। यानी अगर आप डेटा को ऐड कर रहे हैं, डेटा में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें कहलाती हैं मेथड्स। तो अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा और मेथड एक साथ यूज हो रहे हैं, एक साथ मौजूद हैं, तो ओप ये कहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आप उनको एक यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो यूनिट ओप में कहलाता है ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ तमाम वर्किंग ऑब्जेक्ट्स पर हो रही होती है और ऑब्जेक्ट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप कोई नया कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं तो दूसरे प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए किसी भी प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अब बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। C++, जावा, पाइथन और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसी कॉन्सेप्ट पर डेवलप की गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज। दोस्तों इसको डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। इसको इन स्टार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसको हर किस्म के सॉफ्टवेयर्स जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, रोबोट्स, ग्राफिक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। और दोस्तों इसीलिए किसी भी बिगनर के लिए जो कि प्रोग्रामिंग को सीखना चाहता है उसके लिए पहले सी लैंग्वेज को सीखना मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स मौजूद नहीं है बल्कि हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों के एडवांटेजेस ये प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेजेस खासतौर से एप्लीकेशंस प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज की जाती हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेजेस हार्डवेयर के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। और सी एक इस तरह की लैंग्वेज है जिसके जरिए ना सिर्फ आप हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बल्कि सॉफ्टवेयर्स को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब आइए इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एडा लिखा हुआ है, आप सी लैंग्वेजेस कर दीजिएगा। दोस्तों ये खास तौर से माइक्रो कंप्यूटर्स पर बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इट इज हाईली पोर्टेबल, यानी अगर आपने एक कंप्यूटर पर एक सी प्रोग्राम लिखा है तो दूसरे कंप्यूटर पर वो इजीली रन हो सकता है। जैसे एक इंटेल की मशीन है और एक एचपी की मशीन है, तो ये दो अलग अलग मशीन है, तो एक मशीन एक कंप्यूटर पर लिखा गया प्रोग्राम, लिखा गया सी प्रोग्राम दूसरे पर इजीली रन हो सकता है। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इट इज फास्ट, यानी ये बहुत तेजी से प्रोसेस होती है। सीपीयू को सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए यूज की जाती है, इसीलिए इसको भी लर्न करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 2 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।